السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاه والسلام على رسوله الامين نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد محترم ناظرين اس سچے واقعات نامی سیریز کے تیسرے आप तमाम भाइयों बहनों बुज़ुर्गों माओ का इस्तबाल है आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद एक बड़ा ही ख़ूबसूरत वाक़ बड़ा ही ख़ूबसूरत क़स्सा बयान करने की शदत हासिल कर रहे हैं और उसके ज़रिए जो सबक़ है जो मैसेजेस हैं इन वो आपके सामने पेश करेंगे वाक़ क्या है सही मुस्लिम की हदीस नंबर टू सेवन डबल सिक्स दो सात छः छः सही बुखारी में भी यह हदीस है लेकिन सही मुस्लिम का रेफरेंस हवाला मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसी हदीस से मैं अल्फाज आपके सामने पढूंगा और इस हदीस में तफसील से वाक़ मस्कूर है आपने भी कई बार वाक़ सुना होगा आइए आज एक बार फिर सुनते हैं ईमान में इजाफ़ा करते हैं और उससे हासिल होने वाला पैगाम जो सबक़ जो मैसेज है वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं नाफिस करते हैं वाक़ क्या है हजरत अबू सईद खुदरी रजा अल्लाह तु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्ला वम ने फ़रमाया कान न फ़ीमन का नबल को मराजुल का तला तस् आतम व तस्फ़न बड़ा ही ख़ूबसूरत वाक़ बड़ी ही बेहतरीन स्टोरी प्यारे रसूल अलैहि वसल्लम ने बयान की देखें सहाबा को प्यारे नबी वाकयात बताया करते थे हम भी अपने घरों में बच्चों को घर वालों को बिठा कर किसी एक को मुक़ल्लफ़ बना दें कि आज आप वाकया सुनाएँगे एक प्रोग्राम रखें वीकली मंथली और आइंदा प्रोग्राम में आइंदा हमारी मजलिस में कौन वाक़ बताएगा वो आप किसी को मुक़ल्लफ़ बना दे कि इस हफ़्ते ये इस हफ़्ते ये इस हफ़्ते ये ऐसा क्या होगा इल्म में भी इजाफ़ा होगा ईमान में भी इजाफा होगा रसुलकरम कई मौक़ों से सहाबा को वाक़ात बताते थे पुरानी उम्मतों के पुराने लोगों के पिछली कौमों के ऐसे एक मरतबा प्यारे नबी सला वल्लम ने सहाबा को बड़ा ही खूबसूरत वाक़ बयान किया कहा कि नबी सल्ह वम ने शुरुआत देखे स्टार्टिंग देखे कहा मेरे साहबा ये तुम्हारा दौर है ना तुमसे पहले एक जमाना था कि एक जगह बहुत सारे लोग रहते थे उन्हीं लोगों में एक बंदा था जो बड़ा बदमाश जो बड़ा उजड बड़ा बुरा था बुराई उसके अंदर क्या थी आता तिस आता व तिस इन नफसन नाइन्टी नाइन निन्यानवे आदमियों का कत्ल किया उसने यानी गोया कि वो कातिल था और कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है आप सुनते हैं बार बार सुनते हैं इस्लाम का मैसेज सुनते हैं अल्लाह ने क्या कहा मन कतल नफसम बगैर नफसिन और फसाद इन फिल आर गई फकान नमा कतल कि जिसने किसी को भी नाहक कत्ल किया या जमीन में फसाद फैलाया तो गोया कि उसने पूरी दुनिया के इंसानों को कत्ल किया है ये कत्ल का अंजाम या कत्ल की सज़ा कत्ल की खतरनाकी है कि एक आदमी का ना हक कत्ल कर देना गोया कि पूरी दुनिया के इंसानों के कत्ल के बराबर है अल्लाह के नज़दीक इस्लामी शरीयत की निगाह में वो आदमी उसने नन्यानवे लोगों का कत्ल किया लेकिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया कि उसे एहसास पैदा हुआ कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं मेरा यह तरीका गलत है मुझे यह काम नहीं करना चाहिए हम में से हर एक को कहीं ना कहीं यह सोच आती है यह ख्याल आता है हम अगर गलत कर रहे हैं ना तो किसी मोड़ पर हमें यह ध्यान में आता है नहीं 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 यह गलत है किसी को धोखा दे रहे हैं तो दिमाग में आता है कि नहीं ये आप गलत कर रहे हैं ये आपका ये करना ऐसा सही नहीं है उस आदमी के भी दिमाग में ख़याल आया कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ फ़सा अलामी उसने ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है पूछा लोगों से एहसास पैदा हुआ देखिए एहसास बहुत बड़ी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में अगर एहसास आ गया पैदा हो गया कि मैं गलत कर रहा हूँ गुनाह कर रहा हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए बहुत बड़ी चीज़ है फिर देखें आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी उस आदमी को भी एहसास हुआ उसने अपने आप को बदलना चाहा बदलने की फिक्र किया इसीलिए पूछा कि सबसे बड़ा आलिम इस वक्त का कौन सा है फ़दुल राहिबिन उसे बताया गया कि एक राहिब है एक पोप है पादरी है वो है आलिम है गया उसके पास जाने के बाद कहता है कि देखें मैंने निन्यानवे लोगों को कत्ल किया है फाहली बिन तौबा क्या मेरे लिए तौबा की कोई गुंजाइश है क्या तौबा का दरवाजा मेरे लिए खुला हुआ है उसने कहा नहीं निन्यानवे आदमियों को कत्ल और चले और तौबा करने हे तुम्हारे लिए तौबा नहीं है जैसे आजकल हमारे माशरे में कहते हैं ना बहुत सारे लोग बिल्ली नौ सो चूहे खा के हज को चली कहते हैं ये देखो इतने बड़े गुनेगार और अब इबादत करने जा रहे हैं हज करने जा रहे हैं पाप धुलाने जा रहे ये गलत बोलते हैं आप आपका ये कहना गलत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिंदगी की सांस के आखिरी डोर के टूटने तक तोबा का दरवाजा खुला है गरगरे के वक्त से पहले रूह निकाले जाने के मरहले से पहले अगर आप तोबा कर लेते आपकी तोबा कबूल हो जाएगी ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि नहीं तुम तोबा नहीं कर सकते तुम अच्छे काम नहीं कर सकते या इतने गुनाह करके तुम अच्छा काम मत करो या नहीं कर सकते तुम्हारा अमल कबूल नहीं होगा बहुत सारे लोग कहते हैं ने ने उस पादरी ने भी इस आदमी को कहा नहीं nah, नहीं nah, तुम्हारे लिए तो तौबा है ही नहीं तुमनेवे आदमियों का कत्ल किया है तुमने है तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी तुम्हारे लिए तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है उसने क्या किया कहा अगर मेरे लिए तौबा का दरवाजा बंद हो गया है तो तुम उसको भी मार दिया उसको भी कत्ल कर दिया फकम मलामी अचान और सौ की गिनती पूरी कर ली वो कि आज की जबान में अगर कहें तो उसने सेंचुरी कंप्लीट कर ली सौ आदमियों का कातिल हो गया आप ऐसे ही बहुत सारे लोग आजकल हमारे समाज में भी हैं नीम आलिम नीम कुरान हदीस का इल्म रखने वाले लोग जो मसला नहीं जानते लेकिन फिर भी लोगों को बताते हैं ऐसे लोग फवल्लू व अवल्लू खुद भी गुमराह होते हैं दूसरों को भी गुमराह करते हैं देखें आज मार्केट में कैसे लोग हैं ना समाज में हमारे इलाके में कि एक आदमी ने कोई कबीरा गुनाह कर लिया कहते ये इस्लाम से खारिज हो गया ये मोतजला का अकीदा है वो कहते हैं कि कबीरा गुनाह का मरतकब युजवानी मिल्ला वो दीन से निकल जाता है इस्लाम से निकल जाता है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं नहीं आप गलत कर रहे हैं जैसे उस राहिब ने गलत किया उसकी सजा उसको मिली उसकी सजा ऑन द स्पॉट उसी मकाम पर उस बंदे ने दे दी फिर भी एक और कत्ल कर लिया उसने लेकिन जो अंदर एहसास जमीर अभी उसका जिंदा है अभी जमीर उसका मरा नहीं वो जमीर कचोके लगा रहा है कि अल्लाह के बंदे तूने फिर गलत कर लिया एहसास फिर से बेदार हुआ जागा जमीर बेदार हुआ और उसने फिर से पूछा कि नहीं कोई और आलिम कोई और आलिम बताया जाए कोई और स्कॉलर जिससे मैं मिलूं और उससे अपने सवाल का तसल्ली बख्श जवाब हासिल कर सकूं चुनानचा उसे बताया गया कि एक फ़ला जगह एक बड़े आलिम है उनसे जाकर पूछो गया उनके पास पूछा उनसे कि मैंने सौ कत्ल किए हैं क्या मेरे लिए तोबा है फाहली बिन तौबा क्या मेरे लिए तोबा का दरवाज़ा खुला हुआ है उन्होंने कहा हाँ बेशक तुम्हारे लिए तोबा का दरवाजा खुला वो मई लुबई न तौबा अल्लाह के बंदे तुम्हारे और तौबा के दरमियान कौन हायल हो सकता कोई हायल नहीं हो सकता कोई बीच में नहीं आ सकता कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता जाओ तोबा करो अल्लाह तुम्हारी तोबा को कबूल करेगा तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा और फिर उस आलिम ने उसके प्रॉब्लम का सोलूशन भी दिया देखिए इस तरीके के आलिम रब्बानी से आप मुलाकात करें अपने मसाइल का हल पूछें म आलिम के पास आप जाएंगे तो मसाइल का हल नहीं मिलेगा बल्कि वो आपको बिगाड़ देगा आपकी जिंदगी को आपके आखिरत को खतरे में डाल देगा इस तरीके के उलमा से आप मुलाकात करें उन्होंने एक तो कहा कि हाँ तुम्हारे लिए तोबा का दरवाजा खुला हुआ है और दूसरे तोबा कैसे करोगे नेक कैसे बनोगे ये हल भी ये मसला भी बयान किया फरमाया कि तुम फला बस्ती के तरफ चले जाओ वहां के लोग अच्छे हैं उस इलाके में जाओ फिल्ला और उनके साथ अल्लाह की इबादत करो और देखना अपने इलाके में अपने गांव में अपनी बस्ती में वापस पलट कर नहीं आना वरना फिर से तुम्हारे दिल में तुम्हारे दिमाग में वही ख्याल आएंगे वही काम करने का दिल कहेगा ये बुरे लोग हैं फैन न यहाँ के लोग बुरे हैं वहां के लोग अच्छे हैं अपना इलाका छोड़कर उस इलाके में चले जाओ सोलूशन मिल गया हल मिल गया उस बंदे का जमीर जिंदा एहसास बाकी चला फन तला हदीस के अल्फाज हैं फंताला खा वो वहाँ से निकला हता इधा नसफ़त तरीक यहाँ तक कि जब बीच रास्ते में पहुँचा आधा रास्ता भी उसने पार नहीं भी किया था कि उसको मौत आ गई उसको मौत आ गई उसकी रूह मलकुल मौत ने कब्ज कर ली फ्त समत फी ही मला इकतुलरहमत ही अब रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते यानी गोया क्या आप कह लें जन्नत और जहन्नम के फरिश्तों के दरमियान बहस हो गई कि इसे कौन लेकर जाएगा रहमत वाला फरिश्ता या अजाब वाला फरिश्ता रहमत वाला फरिश्ता ये कहता है कहता है इसे मैं लेकर जाऊंगा क्यों इसलिए कि ये नेक इरादे से निकला था अच्छी नीयत के साथ निकला था घर इसने कोई काम नहीं किया लेकिन अच्छी नीयत के साथ निकला था इसलिए अच्छी नीयत का बदला इसे मिलना चाहिए मैं लेकर जाऊंगा। और आजाब वाले फरिश्ते ने कहा नहीं नहीं अभी तक इसने कोई अच्छा काम नहीं किया सिर्फ नीयत की थी इसलिए तुम नहीं ले जा सकते मैं लेकर जाऊंगा अल्लाह आलमीन ने एक फरिश्ते को फीसूरत आदमी एक आदमी की शक्ल में भेज दिया अब उस फरिश्ते को उधर से वो गुज़र रहा था जहाँ ये रहमत के और अज़ाब के फरिश्ते बहस कर रहे थे उस मैत के उस आदमी के सिलसिले में उधर से इस फरिश्ते का जो इंसानी शक्ल में था गुज़र हुआ उसको बुलाया फरिश्तों ने और कहा कि देखें हमारे दरमियान बहस हो रही है हमारे दरमियान एक बात को लेकर नज़ा हो गया है आप हमारा ये मसला हमारा ये प्रॉब्लम दूर कर दें कहा क्या मसला है कहा मसला ये है कि ये उधर से आ रहा था अच्छी नीयत के साथ इधर जा रहा था तो मैं लेकर जाना चाहता हूँ रहमत वाले फ़रिश्ते ने कहा और अजाब वाले ने कहा चूँकि अभी जा रहा था अभी अच्छा काम नहीं किया था इसलिए मैं लेकर जाना चाहता हूँ तो उस फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में था ये हल बताया फरमा कीसु मबेन अर्दैन फरमाया दोनों तरफ की ज़मीन को नाप लो जिधर करीब होगा उधर वाला फरिश्ता लेकर चला जाएगा जिस बस्ती की तरफ जा रहा था अगर उधर करीब होगा तो रहमत वाला फरिश्ता और जिधर से आ रहा था अगर उधर की ज़मीन करीब होगी तो अजाब वाला फरिश्ता लेकर चला जाएगा फकासु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाकया बयान करते हुए फरमाया उन फरिश्तों ने दोनों तरफ की जमीन को नापा नापा और नापने के बाद रिजल्ट क्या आया रिजल्ट यह आया कि जिधर वो बंदा जा रहा था उधर की ज़मीन करीब थी उधर की ज़मीन कम थी इसलिए रहमत का फरिश्ता उसको लेकर चला गया गोया कि उसकी बख्शिश हो गई उसकी मखफुरत हो गई अल्लाह के यहाँ उसकी तौबा कबूल हो गई और वह जन्नत का मुस्क बन गया इस स्टोरी ख़त्म नहीं हुई स्टोरी में एक ट्विस्ट है इस वाकये में एक अजीब मोड़ है मोड़ क्या है रियलिटी सच्चाई और हकीकत यह है कि जिधर से वो बंदा आ रहा था यानी बुरी वाली जमीन से खराब जमीन से खराब इलाके से उधर वाली जमीन करीब थी और जिधर जा रहा था उधर वाली जमीन दूर थी हकीकत में लेकिन ऐसा क्यों हो गया कि नापा गया तो इधर वाली जमीन यानी जिधर जा रहा था उधर वाली जमीन खरीब हो गई और जिधर से आ रहा था उधर वाली जमीन दूर हो गई सही मुस्लिम की इसी हदीस के दूसरी सनद में मजीद अल्फाज हैं इला इलाहादि त्रबी वहां ट्विस्ट देखें क्या कहा कि अल्लाह ने इधर वाली ज़मीन को जिधर जा रहा था उधर वाली ज़मीन को हुक्म दिया कि तुम सिकुड़ जाओ सिमट जाओ करीब हो जाओ अपना डिस्टेंस और फासला कम कर लो वह इलाहादी और जिधर से आया था उधर वाली ज़मीन को अल्लाह ने हुक्म दियातबा आदि और फैल जाओ और दूर हो जाओ और अपनी मसाफत अपनी डिस्टेंस बढ़ा लो किसने कहा अल्लाह ने क्यों कहा ये उस बंदे की अच्छी नीयत का बदला अल्लाह ने दुनिया में उसे दिया मेरे भाइयों मेरी माओ मेरी बहनों महतरम नाजरीन ये वाक़ आपको क्या बताता है बहुत सारे मैसेजेस बहुत सारे पैगाम देता है बहुत सारी अच्छी बातें आपको बताता है पहली बात ये बताता है कि अगर आप ग़लत कर रहे हैं तो आप अपनी ग़लती से पीछे हट जाएं, उस ग़लती को उस गुनाह को छोड़ दें इसलिए कि ग़लती करना ये ग़लत नहीं है गुनाह करना ये गलत नहीं है लेकिन गुनाह को ना छोड़ना या गुनाह पर डटे रहना गुनाह पर मुसिर रहना जानते बूझते हुए भी उस गुनाह को ना छोड़ना कोई समझाए उसके बावजूद ना छोड़ना ये गलत है प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हर बंदा गुनहगार हर बंदा खताकार लेकिन सबसे बेहतरीन गुनहगार खताकार वो है जो तौबा कर ले एहसास पैदा करें अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी में एहसास पैदा करें अपने ज़मीर को बेदार करें गलतियाँ हर किसी से हो जाती हैं लेकिन गलतियाँ कर लेने या गलतियाँ हो जाने के बाद जो बंदा अल्लाह से माफी मांग ले तोबा कर ले वो बंदा ग्रेट वो बंदा अजीम है वो बंदा साल है वो बंदा नेक है और ऐसे बंदे को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया ये बंदा सबसे बेहतरीन है तो ये पहली बात दूसरी बात कि अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो आप किसी जानकार से पूछें किसी आधे अधूरे इल्म वाले से मत पूछें इसलिए कि आधे अधूरे इल्म वाला आपको भी गुमराह करेगा और ख़ुद भी गुमराह होगा जबकि इल्म वाला क़ुरान और हदीस की सही जानकारी रखने वाला वो अल्लाह से डरते हुए आपके सवाल का जवाब देगा और आपकी सही रहनुमाई करेगा आपको सही बात बताएगा इस वाक़े में क्या हुआ एक बंदे ने एक नीम आलिम ने बंदे के सवाल का गलत जवाब दिया उसके दिमाग में सवाल आया उसने पूछ लिया क्लियर कर लिया आपके दिमाग में भी कोई सवाल आए आप पूछें लेकिन किससे पूछें किसी नीम आलिम से नहीं उसने नीम आलिम से पूछा उसने जवाब दिया कि नहीं तुम्हारे लिए थोबा ही नहीं है नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उसकी सजा दुनिया में दे दी लेकिन जब एक हकीकी सच्चे पक्के और दीन का सही इल्म रखने वाले आलिम से मुलाकात हुई तो उसने सही जानकारी दी इसलिए आपको चाहिए आपकी ये ज़िम्मेदारी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप अपना इसे फ़र्ज़ समझें कि आपके दिमाग में कोई भी सवाल आए कोई भी डाउट आए क़ुरान के दीन के हदीस के अल्लाह के रसूल के समाज माशरे के अपनी पर्सनल लाइफ के ताल्लुक से आप किसी आलिम से किसी कुरान हदीस के जानकार से पूछें और उसका इल्म और उसका सही जवाब हासिल करें इसी तरीके से इस वाक़े से एक मैसेज एक पैगाम जो मिलता है वो ये कि हम और आप तौबा में देर ना करें देखें दुनिया की सबसे छोटी स्टोरी अगर कोई हो सकती है ये स्टोरी है आज देखें ना हमारे बहुत सारे नौजवान बहुत सारे दीन से बेजार अल्लाह के इबादत से दूर हजरत ये कहते हैं अगर उनसे कहा जाए कि चलो नमाज़ पढ़ने चलो अल्लाह की इबादत करने कहते कल से हैं या उनसे कहा जाए कि गुनाह मत करो तोबा कर लो अल्लाह से माफ़ी मांग लो तो कहते कल कर लूँगा कल तोबा कर लूँगा दुनिया की सबसे छोटी सी स्टोरी और सच्ची स्टोरी ये हो सकती है या ये है कि एक बंदे ने यह वादा किया खुद से गदन कि मैं कल तोबा कर लूँगा कल मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लूंगा फना अमा अब क्या हुआ उसने वादा तो कर लिया ख़ुद से प्रॉमिस तो कर लिया लेकिन रात में सोया वलम वलमय और उठ नहीं सका बेदार नहीं हुआ वो मर गया वो उसका इंतकाल हो गया अब आप बताएं वो तोबा कब करेगा वो अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफी अब कब मांगेगा उसकी जिंदगी तो खत्म हो गई अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा उसे इसलिए तौबा में देर ना करे गुनाह की माफी के सिलसिले में देर ना करे अल्लाह आलमीन के सामने आए अल्लाह के सामने अपने गुनाह रखें और अल्लाह से माफ़ी मांग लें अल्लाह से तौबा कर लें देखें इस बंदे ने उसे जब एहसास हुआ इसे ग़लती का अपने इदराक हुआ और इसका ज़मीर जब बेदार हुआ तो इसने फौरन तौबा करने की ठान ली इसीलिए एक आलिम के पास गया उसने सही जवाब नहीं दिया या सही जवाब नहीं मिला तो एक और बड़े आलिम के पास गया उसे जवाब मिला उन्होंने सोलूशन बताया प्रॉब्लम का हल बताया कि जाओ फला बस्ती के पास तो इसने सफ़र की मुश्किल भी बर्दाश्त की और उधर उस वाले इलाके की तरफ उस गांव में जाने के लिए निकल गया अपने इलाके को अपनी बस्ती को छोड़ दिया सिर्फ तौबा के लिए ताकि अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले इसलिए अगर आप गुनहगार हैं और यकीन हम में से हर एक गुनहगार है तो तौबा में तख़िर मत करें तौबा में जल्दी करें इसलिए कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं कब कहाँ किस मौके से मलकुल मौत आए रूह निकाल ले आपकी ज़िंदगी पर फुल स्टॉप लग जाए आपको मालूम नहीं इसलिए तौबा में तख़ीर तौबा में लेट ना करें अल्लाह से माफ़ी मांग लें अपने गुनाह को अल्लाह के सामने रखें वो माफ़ करने वाला है रहम करने वाला है इसी तरीके से एक मैसेज एक पैगाम जो इस वाक्य से हम और आपको मिलता है वो ये कि अच्छी नीयत का फायदा बहरहाल होता है आप अपनी नीयत हमेशा अच्छी रखें कभी अपनी नीयत को बुरी ना बनने दें। इसलिए कि इन अमाल भिन अमल का दारो मदार नीयतों पर है इस बंदे ने क्या किया अच्छी नीयत ही से तो निकला था ना कोई अमल किया कोई नेकी की नमाज पढ़ी रोजे रखे किसी के काम आया कुछ नहीं किया इसने सौ आदमियों का कातिल है जमीर जागा तौबा के इरादे से अच्छी नीयत के साथ सिर्फ निकला है रास्ते में उस बस्ती की तरफ जा रहा है जिधर जाने के लिए उस आलिम ने रहनुमाई की रास्ते में मौत आ गई तो अल्लाह ने उसकी अच्छी नीयत का ये बदला उसे दिया कि जमीन तक को अल्लाह हुक्म देता है कि तुम सिमट जाओ तुम अपना डिस्टेंस करीब कर लो और इधर वाले को अल्लाह हुक्म देता है कि तुम दूर हो जाओ फैल जाओ मेरा ये बंदा अच्छी नीयत अच्छे इरादे के साथ जा रहा है मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों मेरी माओ और बहनों महतरम नाजरीन अपनी नीयतों की इसलाह करे अपनी नीयतों की इसलाह करें बिनियत आपके अमल का दारोमदार नीयत पर है आपकी नीयत अच्छी होगी अच्छी नीयत का भी बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता करते हैं अच्छी नीयत का फ़ायदा होता है अच्छी नीयत पर आपके खाते में आपके अकाउंट में नेकी लिखी जाती है इसलिए हमेशा अपनी नीयत को अच्छी रखें अपनी नीयत की इस्लाह करें इसी तरीके से एक मैसेज आखिरी मैसेज जो इस वाक़े से हमें और आपको मिलता है वो ये कि हम और आप किसी को गलत जानकारी ना दें अगर नहीं मालूम है तो माजरत कर लें अगर मालूम है तो सही जानकारी दें ताकि आपका भी फायदा हो उसका भी फायदा हो अगर सही जानकारी आप नहीं देंगे गलत जानकारी देंगे या नहीं मालूम है उसके बावजूद भी आप बता रहे हैं तो इसी सूरत में खुद भी गुमराह होने का नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा सामने वाले को भी गुमराह करने का नुकसान आपको उठाना पड़ेगा तो ये सच्चा वाक़ा जो सही बुखारी सही मुस्लिम के हवाले से और सही मुस्लिम की छियासठ के हवाले से आपके सामने मैंने पेश किया इससे क्या सबक हम और आपको मिला यह चीज़ें मैंने बयान की अल्लाह रबालमीन से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी नीयतों की इसलाह करने अपने अमाल की असलाह करने गुनाहों पर तोबा और इसफार करने के अल्लाह तोफी ख़तः फरमाए और आपको ईमान के موت وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه آل أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.